हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें देखो अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, लाइक हमने स्टडी की थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। मीन्स अपन ने उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट करना देखा था, 5 टाइप से, ओके। फर्स्ट इज लेविस फॉर्मूला, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड इज कंडेंस फॉर्मूला, फोर्थ इज साइक्लिक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड फिफ्थ वन इज साइक्लिक और पॉलीगॉन फॉर्मूला, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इनमें किसी में कोई डाउट होगी। प्लीज अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, उसको कुछ भी डाउट है, कुछ ऐसा है कि नहीं वो टॉपिक नहीं समझ में आया, हल्का फुल्का भी उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ डाउट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर लिख दिया करो, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें मैं वो चीज जो है वो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स भी दिए थे करने के लिए, एक शायद ऑक्टेन था, ठीक है, एक 5 कार्बन का डबल बॉन्डेड कंपाउंड पेंटीन था एंड एक हेक्सीन या हेप्टेन का था, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खास डाउट आपके आई होगी, अगर आई भी है तो प्लीज मुझे इस तरह से नहीं पता चलेगा कि किन बच्चों के डाउट आई है और किन के नहीं आई है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, आप दोबारा उसको एक्सप्लेन करो, तो प्लीज आप मैसेज छोड़ दिया करें, ठीक है, क्लियर। चलो आज हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, आज हम स्टडी करेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, वो कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं और किस तरह से क्लासिफाइड किए गए, ठीक है। देखो मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है, ठीक है, ये पूरा अपन पहले एक्सप्लेन देखेंगे फ्लो चार्ट है क्या, और उसके बाद में वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लियर। ये सेम ऐसा ही फ्लो चार्ट आपके 12th चैप्टर में भी है एंड 13th चैप्टर में भी है, दोनों चैप्टर्स में है, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं क्या, उनको 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। असाइक्लिक आपको पता चल रहा है उससे, असाइक्लिक मीन्स जिसमें साइकिल ना हो, मीन्स जिसमें रिंग ना हो, कैसे हो वो ओपन चेन, ठीक है, लाइक ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में हो, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ये हाईली ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, बट असाइक्लिक मीन्स यहां ये आपस में मिलके कुछ साइकिल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो ओपन चेन में रहेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी के कंपाउंड्स, एंड जो सेकेंड कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं दैट इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। साइक्लिक मीन्स सबको पता है, साइक्लिक मीन्स क्या होंगे, रिंग फॉर्मेशन करेंगे, ओके, एंड क्लोज्ड चेन मीन्स उनका जो चेन होगा कार्बन चेन होगा वो ओपन नहीं होगी, वो कैसी होगी, क्लोज होगी, मीन्स क्या कर रहे हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। देखो असाइक्लिक या फिर जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ओके। फर्स्ट कैटेगरी इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, मीन्स जिनके बीच में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस टाइप के कंपाउंड
सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड जो है उसमें कौन इंक्लूड होंगे? एल्केन्स मींस द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, यहाँ जो एल्केन्स हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता रहे होंगे एल्केन्स की, लाइक CH3, CH2, CH2, CH3। कितने एग्जांपल है ये? कितने कार्बन है यहाँ पे? बोलना। तो फोर कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यू। प्लस यहाँ पे सब किससे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना सब बच्चों को? कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे सबको साथ में लर्न करते करते चलो। ठीक है कि हाँ भाई, इसका क्या है, इसका नेम क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद में चलेंगे अपन। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो। सेकेंड कैटेगरी इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अनसेचुरेटेड मीन्स जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द कंपाउंड्स आर नोन एज एल्कीन्स। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइन्स। क्लियर है? ये क्लासिफिकेशन तो आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। फिर से देख लो, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है बेटा? असाइक्लिक, मीन्स जिसमें साइक्लिक प्रेजेंट नहीं हो, मीन्स द कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव द साइक्लिक, जिसमें साइक्लिक एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। देन द ओपन चेन कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स द कंपाउंड्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड एंड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स द कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। क्लियर है सब बच्चों को? ओके, सैचुरेटेड के एग्जाम्पल क्या होता है? एल्कीन्स। एंड अनसैचुरेटेड जो है उनका एग्जाम्पल है एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। क्लियर? अब ये तो देखो, ये जनरल चीजें सबको पता है। ठीक है, ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आई, ठीक है, उसको देखो मैं बता रही हूँ। ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एल्कीन्स हैं या एल्कीन या एल्काइन्स, इनको बोलते हैं एलिफैटिक। क्या बोलते हैं इनको? एलिफैटिक मीन्स ये जो असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, इनको और क्या बोलते हैं बेटा? एलिफैटिक। ठीक है, अब हर एक जो वर्ड है वो जनरेट क्यों हुआ, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एलिफैटिक, है ना, तो इसको एलिफैटिक क्यों बोला? देखो, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हमें किससे गेन होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ऑयल जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयली जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है, एंड जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें इन ऑयली सब्सटेंसेस को एलिफिटोस या एलिफोटोस, ठीक है, एलिफोटोस बोलते हैं इन ऑयली सब्सटेंसेस को। तो उसके नेम के बेसिस पे इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एली फैटिक सॉरी, तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? बिकॉज इनका जो ऑरिजन है या इनका जो हमें सोर्स है कि ये कहां से मिले हैं हमें, तो ये हमें कहां से मिले हैं? जो ऑयली सब्सटेंस है ऑयल से हमें मिले हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्लियर है सबको? चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बारे में डिस्कशन हो गया, सब बच्चों को समझ आ गया, मुझे लगता है सब बच्चों को लर्न भी हो गया होगा। ओके, फर्स्ट इज ओपन चेन। ओपन चेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्लासिफाइड ओनली इन वन कैटेगरी, दैट इज एल्केन, एंड अनसैचुरेटेड क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर? चलो अब हम
कैसे होंगे, क्लोज चेन बनाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहां पे लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज हेटरोसाइक्लिक। ठीक है, अब देखो होमो वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, होमो मीन्स क्या होता है बेटा, सेम। होमो मीन्स सेम एंड हेटरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, अब सेम एंड डिफरेंट, क्या सेम होना चाहिए और क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो देखो होमोसाइक्लिक मीन्स जो आप साइकिल बना रहे हो उसमें जो एटम्स हैं वो अगर कैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, और सेम मीन्स क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए, सेम मीन्स सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, कार्बन है, अगर कार्बन के अलावा कोई भी एटम नहीं है तो उस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, होमो साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, मींस द साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली कार्बन एटम। ओके, मींस जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन एटम है, उसके अलावा वो कोई एटम नहीं है, कोई भी हेटेरो एटम नहीं है, कोई भी डिफरेंट एटम नहीं है, ओनली एंड ओनली कौन है, कार्बन है उसकी साइकिल में। इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। क्लियर, एंड सेकेंड वन इज हेटरोसाइक्लिक। हेटरोसाइक्लिक मीन्स जिसमें कार्बन तो होगा बट उसके साथ में क्या होगा, कोई ना कोई हेटरो एटम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, कोई भी हेटरो एटम हो सकता है बट हेटरो एटम होगा। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, होमोसाइक्लिक में भी क्या होगी, साइकिल होगी, रिंग होगी, बट उसमें क्या होगी, ओनली एंड ओनली कार्बन एटम्स। हेटरोसाइक्लिक में क्या होंगे, कार्बन के साथ हेटरो एटम्स हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट देखो। होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज एलीसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। ओके, एलीसाइक्लिक जो है उसको हम एलिफैटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा एलिफैटिक वर्ड तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना, बिल्कुल सही सुना बेटा आपने, एलिफैटिक वो ही सब्सटेंस है जो इधर हमने पढ़े थे ना, जो किससे जनरेट हो रहे थे, ऑयल से, एलिफोटोस से, ऑयल से जनरेट हो रहे थे, वो ही सेम सब्सटेंस है। मीन्स डिफरेंस क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या है, थ्री कार्बन है। ठीक है, अब थ्री कार्बन अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, अब इस फॉर्म में है तब तो मैंने इसको क्या बोला, प्रोपेन। ओके, और ये क्या क्या है, ये है असाइक्लिक। थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान से देखना, दिस इज असाइक्लिक। असाइक्लिक मीन्स साइकिल एब्सेंट, साइकिल उसमें नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, कैसा है वो, ओपन चेन है। ठीक है, अब अगर मैंने इन थ्री कार्बन एटम्स को इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक है, रिंग में, तो अब इनका नेचर भी एलिफैटिक है, इनका नेचर भी एलिफैटिक है, बट दीज आर नॉन साइक्लिक और असाइक्लिक एंड दीज आर साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। मीन्स इन दोनों का नेचर सेम होता है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है ये ओपन चेन की फॉर्म में होते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। क्लियर है, सबको समझ आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो एरोमेटिक, अब ये कुछ डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना, एरोमेटिक क्या होता है। देखो एरोमेटिक जो वर्ड है वो एक स्पेशल वर्ड से जनरेट हुआ है, दैट इज एरोमा। ठीक है, एरोमा आपने सुना होगा, एरोमा वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू। ठीक है,
कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, रिंग होगी उनमें, ठीक है। सेकेंडली उनके अंदर ये फैक्टर होगा या ये उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि उसमें कुछ स्पेशल प्लीजेंट स्मेल उसमें आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इन सब्सटेंसेस में, ठीक है। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इनमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स वन डबल बॉन्ड देन वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हकल्स रूल फॉलो करते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी तुम्हारा इनिशिएशन है, ठीक है, इतनी सारी बातें मैं आपके दिमाग में डाल दूंगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा, इसलिए जो बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें इस टाइम पे पता होनी चाहिए सिर्फ वो ही डिस्कस करेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्पेशल चीज क्या है कि उसमें एरोमा प्लीजेंट स्मेल आती है इन कंपाउंड्स में। सेकेंड थिंग, सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है और इसमें एटलीस्ट थ्री डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के साथ किसमें होते हैं, अल्टरनेशन में होते हैं, क्लियर है, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर। अब बहुत सारे बच्चों को इसका स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भी क्या आ रहा है ना, क्या नेम है इस स्ट्रक्चर का, वेरी गुड, जिनके भी दिमाग में आ रहा है क्या नेम है इसका, बेंजीन, ओके। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, बेंजीन। तो अब देखो स्टार्टिंग में जब एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब डिस्कवरी हुई थी तो ऑलमोस्ट ले देके सिर्फ ये एक ही सब्सटेंस ढूंढा गया था, ठीक है, और इसी पे बातें होती रहती थी, ठीक है। तो कंसीडर भी क्या किया, स्टार्टिंग में यही बोला कि बेंजीन जो है कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि बेंजीन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एरोमेटिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो इसको एक रेफरेंस वैल्यू मान के या इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर करके एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या कर दिया, फिर टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया, फर्स्ट इज बेंजेनॉइड एंड सेकेंड वन इज नॉन बेंजेनॉइड। अब सबको पता चल रहा होगा, इनके नाम से ही पता चल रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी टर्म है, बेंजेनॉइड मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं हो, समझ आ गई ना बात। बेंजेनॉइड कंपाउंड मीन्स द एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव बेंजीन रिंग एंड द नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डज नॉट हैव द बेंजीन रिंग, क्लियर है, चले आगे। चलो तो अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। उसका फर्स्ट एग्जांपल तो हो ही गया ये बेंजीन, इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है इसका ये कंपाउंड, इसमें भी देखो बेंजीन रिंग है या नहीं है, है ना, सॉरी कितने बेंजीन रिंग है, टू बेंजीन रिंग है, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम होता है नेफ्थलीन, नाम सुना होगा, ठीक है। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड जो है उनके कितने एग्जांपल्स हो गए, टू एग्जांपल्स, बेंजीन एंड नेफ्थलीन। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स मींस जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक सेवन मेंबर कंपाउंड होता है इस तरह से, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज बेंजीन रिंग कितने मेंबर होती है, सिक्स मेंबर, और ये सेवन मेंबर है। बहुत सारे कंपाउंड एट मेंबर भी होते हैं, टेन मेंबर भी होते हैं, बट उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है। प्लस
वो एरोमेटिक जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, मींस क्लोज्ड और साइक्लिक चेन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक, मींस द साइकिल व्हिच हैव ओनली कार्बन एटम, एंड सेकंड वन इज हेटरोसाइक्लिक, मींस जिसमें कार्बन के अलावा भी एटम्स होंगे। क्लियर? होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एलीसाइक्लिक और एलीफेटिक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक। क्लियर? एंड एरोमेटिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड में क्या होगा? बेंजीन रिंग होगी। नॉन बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट टाइप देखो, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा क्या होता है? कुछ डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन एटम्स है, एंड नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 ऑक्स कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, एंड नेक्स्ट इज कार्बन एटम।